पर मैं हूं आपके साथ चेतन बाजन। मेरे साथ मौजूद हैं शेखर सर। सर आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर जाने के लिए निकली, काफी विवादों में ये रही, लेकिन इसमें जिस तरह के समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है ये भी देखने लायक है। खूब भीड़ इसमें जुटाई जा रही है और खूब भी इसमें जुट भी रही है। तमाम जो खिलाड़ी हों या फिर जो अभिनेता हैं वो भी इसमें समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं। अब इस यात्रा में कुछ दिनों का ब्रेक लगा हुआ है, जो नेता हैं वो छुट्टियों के लिए गए हुए हैं। उसके बाद ये जनवरी में एक बार फिर ये यात्रा शुरू होगी और ये कश्मीर के लिए आगे के लिए जाएगी। दिल्ली में यात्रा पर विराम लगा था। दिल्ली में राहुल गांधी ने लाल किले से भाषण दिया और उसके बाद जो तमाम जो उनके समर्थक हैं उनको संबोधित किया, तमाम जो हमले हैं वो सरकार पर किए। लेकिन आज राहुल गांधी की तस्वीर सामने आई जब वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचे, वहां उन्होंने उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उसकी जो तस्वीर है वो खूब वायरल हो रही है। हालांकि आज भी इतने कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में ही दिखाई दिए, इस बात पर भी खूब चर्चा उनकी हो रही है। लेकिन जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि जो उनकी पार्टी के हमेशा विरोधी रहे, कई 25 दिसंबर को जब अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था तो उस वक्त भी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए जब संसद में उन्होंने भाषण दिया, सोनिया गांधी पर हमला बोला या फिर कांग्रेस पर हमला बोला, उसके तमाम जो वीडियोस हैं वो अमूमन सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं। 25 दिसंबर को जब उनका जन्मोत्सव था तब भी वो सब चीज़ें हुई। लेकिन राहुल गांधी जब अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे तो उसका जो फोटो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, खूब चर्चा हो रही है। उसको लेकर आज हम भी चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो उनकी पार्टी के विरोधी रहे, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता थे और उनकी समाधि स्थल पर जाकर उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ बदला है इतने समय में। सर ये जो आज तस्वीर देखनी चाहिए, तस्वीर दिखी है वो अपने आप में एक देखने वाली चीज़ है। कई लोग इसको अपने अपने तरीके से ले रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल जतन, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक बात कही जाती है, उनको अजात शत्रु कहा जाता था, यानी कि वो ऐसे थे जिनको विपक्ष के लोग भी पसंद करते थे, उनकी तारीफ करते थे। लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा हुई जिसमें ये अटल जी की समाधि स्थल पर गए, इसमें भी विवाद हो गया और ये विवाद का काम भी किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। अब इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी डाउट में है, उसको क्लैरिटी नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि अटल जी की समाधि पर जाना अच्छा रहा या बुरा रहा, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। इसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं गौरव पांधी, जो कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके ऑफिस के साथ में वो अटैच भी हैं यानी ऑफिशियली। उन्होंने ही जो उनके समाधि स्थल पर विजिट थी राहुल गांधी की, उनकी विजिट से पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ऐसा कह दिया जिसकी काफ़ी आलोचना हुई और बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया राहुल गांधी की यात्रा पर और उनके मंशा पर सवाल खड़े करने का। गौरव पांधी ने क्या कहा है वो जानना जरूरी रहता है क्योंकि उन्होंने इसको कहने के बाद में जब उनकी काफ़ी किरकिरी हुई तो उन्होंने आनंद फानंद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे पास उस ट्वीट की कॉपी है। उसमें इन्होंने ये लिखा कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो चल रहा था, उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे और वो खुद तो इस आंदोलन से नहीं जुड़े, लेकिन जो लोग जुड़ते थे उनके बारे में जाकर अंग्रेज़ों को जानकारी दिया करते थे। तो ये आरोप जो है ये लगाया गया गौरव पांधी की तरफ से, ये बात कही गई है। तो जब ये कीचड़ उछालने का जब काम किया गया, ये मौका ऐसा था जब राहुल गांधी ये तय कर रहे थे कि वो जाकर अटल जी की समाधि पर उनको नमन करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक लाइन से ऊपर उठकर काम करना चाह रही है। भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद बताया जाता है उसके हिसाब से उनका काम, उनका इरादा ये है कि तमाम पार्टी लाइन से, तमाम वैचारिक मतभेद से सबसे उठकर सबको एक साथ आने की वो बात करते हैं। इस मैसेज के साथ इस यात्रा को शुरू किया गया, लेकिन इसी दौरान जो है इसी सिलसिले में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर भी हो गया और लगातार ये आरोप भी लगाते रहे कि जो मोदी हैं या फिर बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो नेहरू और गांधी और बाकी जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता रहे हैं पास्ट में, इंदिरा गांधी हैं, उन इंदिरा गांधी और नेहरू उनकी समाधि पर बीजेपी के नेता नहीं जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो यहाँ पर अटल जी के उसमें गए हैं। अब इसी पर विवाद भी है,
और विवाद के साथ ये भी समझना जरूरी कि अटल बिहारी वाजपेयी के कांग्रेस पार्टी के साथ में पुराने रिश्ते कैसे रहे। अजात शत्रु हमने बताया, लेकिन सोनिया गांधी जो कि राहुल गांधी की माँ है, वो कई मौकों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को कई ऐसे शब्द कहते हुए सुनी गई जो अपने आप में बड़ा ही अजीब था, जैसे कि गद्दार कहा उन्होंने। इसके अलावा कुछ कई और मौके ऐसे आए जब उन्होंने इस तरीके की चीज़ें हुई, जैसे कि 1998 का पोखरण का मामला बताएं, जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया 1998 में, तब दुनिया भर में तो नहीं लेकिन हाँ भारत में तमाम लोग इस चीज़ से बहुत खुश थे, क्योंकि परमाणु बम का या परमाणु शक्ति होने का मायने क्या है, कम से कम आज की तारीख में यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में तो आप समझ ही सकते हैं, अगर यूक्रेन के पास परमाणु शक्ति संपन्न होता और उसको विदड्रॉ नहीं करवाया गया था उन परिस्थितियों में, तो फिर हो सकता है रशिया आज की तारीख में यूक्रेन में नहीं घुसता और यूक्रेन की ये स्थिति नहीं होती। तो परमाणु शक्ति संपन्न होने का क्या मामला, क्या मायने है, इसका अंदाज़ा आप कम से कम उस स्थिति में लगा ही सकते हैं जब आपके बगल में एक शक्तिशाली देश जो है चीन बैठा हुआ है। खैर वो अलग मसला है, लेकिन तब सोनिया गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर करीब 10 दिन तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, और जब बोली भी थी तो उन्होंने ये कहा था कि असली ताकत जो है वो संयम में है, ना कि शक्ति प्रदर्शन में। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ाया गया या जो हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर वो चीज़ होती है कि शक्ति का संतुलन बहुत ज़रूरी है शांति बनाए रखने के लिए। अगर आप शक्तिशाली और मैं बहुत कमज़ोर हूँ तो शांति बरकरार रहने की संभावना बहुत कम होगी, आप कभी भी हमला करके नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन आप भी शक्तिशाली हैं, हम भी शक्तिशाली हैं, तो शांति बनाए रखने की संभावना जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि नियंत्रण करना आसान नहीं होगा, तो शांति बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी ने कहा था कि असली ताकत संयम में है, ना कि शक्ति के प्रदर्शन में। ये एक बड़ी चीज़ थी। उसके अलावा सोनिया गांधी ने 2002 में कहा था कि वाजपेयी जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, ये भी कहा। उसके अलावा 1999 में एक रैली के दौरान उन्होंने वाजपेयी जी को गद्दार कहा, और भी कई सारी चीज़ें इसके साथ ही हुई। लेकिन बड़ी बात यही है कि कांग्रेस पार्टी एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी को उल्टा पुल्टा कहती रही, लेकिन ठीक है चलिए, वो राजनीतिक अपनी बयानबाजियाँ होती हैं, राजनीतिक अपने वो होते हैं, अपने हित होते हैं, उस ज़माने में तो ठीक था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस मामले में कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर पहुँचे, क्या सोनिया गांधी भी उस तरह से जा सकती थी, पहली बात। दूसरी बात है कि जब गौरव पांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उसी दौरान जब राहुल गांधी विजिट करने जा रहे हैं, लगभग उसके कुछ घंटे पहले ही, उनको गद्दार कहा, उनको ये कहा कि अंग्रेज़ों के एजेंट थे और वो इस तरीके से मुखबिरी का काम करते थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर गौरव पांडी को सैक करके उनको पार्टी से निकाल कर कोई स्ट्रांग मैसेज दे सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तब तो पता चलेगा कि हाँ, आप जिस इरादे के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी के स्थल पर गए, समाधि स्थल पर, तो आपके इरादे पर शक नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ट्वीट को डिलीट कर देना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, और तो एक सिक्के का जब एक पहलू ये काम कर रहा है और दूसरा एक राहुल गांधी एक तरफ समाधि स्थल पर जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बहुत करीबी हैं वो उनको गालियां दे रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ एक ही पटरी पर कैसे चल सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में राहुल गांधी को स्टैंड लेना चाहिए गौरव पांडी के मामले में कम से कम, कि या फिर कांग्रेस पार्टी जो है उसमें एक तारतम्यता की कमी है, या फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक धड़ा भी है जो राहुल गांधी के इस कदम से सहमत नहीं है, और शायद उस धड़े के जरिए ही ये बताने की कोशिश की गई। हो सकता है जानबूझ के इस तरीके किया गया हो, या आप ट्वीट कर दीजिए, एक मैसेज समाज में, एक सोसाइटी में तो चला ही जाएगा कि हम क्या सोचते हैं इस बारे में, फिर आप डिलीट कर दीजिए। तो झूठ आपने जो भी आपने एक बार हिट कर दिया उसका भले वापस खींच लिया, लेकिन उसने अपना काम तो कर दिया, क्योंकि उसकी मीडिया कवरेज भी हो गई, उसकी सारी चीज़ें हो गई, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो इस लिहाज से अगर देखें तो राहुल गांधी की ये जो सोच है वो थोड़ी सी डाउटफुल ज़रूर है, और इससे कहीं ज़्यादा ये भी कई सवाल ये भी उठने लगते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जिस तरीके से विचारधारा राहुल गांधी के द्वारा बताई गई कि सबको साथ लेकर चलना है, उन्होंने पिछले दिनों ये भी बोला लाल किले से कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें हर इंसान हुआ, कोई धर्म नहीं देखा गया, चाहे वो जानवर हो वो भी शामिल हुआ। लेकिन जो कांग्रेस नेता की तरफ से जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी पर छींटाकछी की गई और आरोप जो लगाए गए, उससे भारत जोड़ो यात्रा की विचारधारा पर भी कई सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से वो सबको साथ लेने की बात करते हैं और उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाकर शीश नवाते हैं, नमन करते हैं, और उन्हीं के नेता, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की जो ये यात्रा है उसकी विचारधारा पर कई सवाल उठते हैं। नहीं, एक जो इन्होंने शुरुआत की जो भारत जोड़ो यात्रा की, ये एक अच्छे इरादे के साथ की, एक नेक इरादे के साथ की,
हालांकि इसके पीछे का मकसद यही था क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से मोदी सरकार का कोई तोड़ नहीं मिल रहा था, उस लिहाज से शायद राहुल गांधी के जो बयान हालिया दिनों में आ रहे थे या राहुल गांधी जिस तरीके से राजनेता के तौर पर बात करते थे, उनमें एक पॉलिटिकल सीरियसनेस की कमी नज़र आती थी। ये देखने को मिलता था कि उनके बयानों में वो मैच्योरिटी शायद नहीं है। अगर उस लिहाज से देखें, देखिए आप भारत का भ्रमण करते हैं तो भारत के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद भी अगर जाते हैं भारत का भ्रमण करने के, तो आप भारत के बारे में जानेंगे, भारत को करीब से जानेंगे, भारत के लोगों के बारे में जानेंगे, उनकी सभ्यता के बारे में, उनके रहन सहन बोलचाल आप जानेंगे, उन सब चीज़ों को। आपने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम एकजुट करना चाहते हैं चीज़ों को, वहाँ तक भी ठीक था। इसमें भीड़ भी बहुत जुट रही है, ये भी एक सच है, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन वो वोटर हैं कि नहीं है ये फिलहाल अभी हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि इनमें से जो भीड़ है, कई सारे जो है स्टार्स को बुलाया जा रहा है, उसमें खबरें ये भी आई कि स्टार्स को जो है वो पैसे देकर बुलाया जा रहा है। इसमें बात ये भी आई कि क्या एक पर्टिकुलर विचारधारा के स्टार्स जैसे कि स्वरा भास्कर और बाकी लोग हैं यही जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी स्टार्स सेलिब्रिटी बॉलीवुड या बाकी हम बात करते हैं, एक खास वर्ग जो है वो नहीं अटैच हुआ इसके साथ में सेलिब्रिटी, तो क्या वो स्पॉन्सर्ड था क्या ये? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं भारत जोड़ो यात्रा अपने जिस मकसद के साथ शुरू की गई उस मकसद को हासिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कहीं ये महज एक इवेंट बनकर ना रह जाए। आप यहाँ सड़क पर भी अगर तमाशा कर देंगे तो यहाँ पर भी सैकड़ों की भीड़ लग जाएगी। तो भीड़ जुटाना और भीड़ का वोटर में तब्दील होना, आपके भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है उस मकसद को हासिल करना, वो शायद उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जिस तरीके से इसी दौरान ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है और उस पर आपका एक्शन ना लेना, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी यात्रा संपन्न होने को हो तो ये एक पॉजिटिव मैसेज के बजाय एक गलत मैसेज के साथ चला जाए। क्योंकि इस यात्रा में एक और चीज़ सामने आने वाली है, मुमकिन है महबूबा मुफ्ती ने आज ही राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ की है, राहुल गांधी की तारीफ की है। महबूबा मुफ्ती जो है वो तिरंगे के खिलाफ बोलती हैं और ये तिरंगा लेके चलते हैं, तो ये दोनों विरोधाभासी चीज़ें जो हैं कैसे एक बैनर में आएंगी। और उसके अलावा जो बड़ी चीज़ है वो यही आपको बताया कि गौरव पांधी के खिलाफ ये एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, हालांकि बीजेपी मांग कर रही है, लेकिन इस बात ने, गौरव पांधी के ट्वीट ने जरूर बीजेपी को इसको कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसा दिया है और एक जिटर देने की कोशिश की है भारत जोड़ो यात्रा के मकसद को। जी, तो बिल्कुल ये बड़ी बात है कि किस तरीके से एक व्यक्ति की विचारधारा पर टारगेट करते हुए आप एक व्यक्ति विशेष को ही टारगेट करने लग जाते हैं, ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी या खुद सोनिया गांधी या खुद राहुल गांधी अपने नेता के खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं या कुछ भी उनसे जवाबदेही मांगते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ क्यों कहा, किस आधार पर कहा, क्या कुछ वो करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और नहीं भी करते हैं तो भी चीज़ें, कई सवाल उठने लाजमी हैं राहुल गांधी पर, उनकी यात्रा पर, और ख़ुद जो पार्टी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं सोनिया गांधी पर, उन पर भी सवाल उठने लगे कि उनके नेता आखिर क्यों इस तरह की बातें करते हैं, जबकि उनके खुद जो आलाकमान है वो एक अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है उनके समाधि स्थल पर जाकर नमन करते हैं उनको। तो किस तरीके की ये बातें हैं, दो चीज़ें क्यों एक साथ चल रही हैं, तो ये भी तमाम सवाल जो हैं। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आपकी क्या राय है इन तमाम सवालों पर, इन तमाम जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं सोशल मीडिया पर और जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप जो कुछ भी कहना चाहें कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।